अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम नई एक लोकेशन पे आए हुए हैं। ये पोल्ट्री फार्म है और यहाँ से पूरे कराची शहर में ये अंडे सप्लाई करते हैं। तो आ जाएं, अभी हम आपको दिखा देते हैं अंदर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा खुदा भाई। और भाईजान आपका क्या नाम है? अली असगर। अली असगर। तो भाईजान, ये माशाल्लाह ये जो मुर्गियाँ हैं, ये इसमें ये जो पोल्ट्री फार्म है इसमें कितनी मुर्गियाँ हैं? 6000 इसमें माशाल्लाह मुर्गियाँ हैं। तो इसमें मेल फीमेल हैं या सिर्फ फीमेल हैं? यानी कि इसमें नर मादे हैं या खाली मादी है? सिर्फ मादी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये 6000 मुर्गियाँ हैं, तो इसमें रोज के आप लोग कितने अंडे यहाँ से उठाते हो? 11 पेटी। यानी कि एक पेटी में कितने अंडे होते हैं? 360। 360। तो माशाल्लाह, ये वो तो बहुत बड़ी जगह है यार माशाल्लाह। और इसमें आप लोग इनको क्या खिलाते हो? फीड। इसमें फीड खिलाते हो? अच्छा, यही जो फीड जो साबत होता है या इसको ग्राइंड करते हो? नहीं, ये मशीन से आता है साबत। तो नाजरीन, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये अंडे रखे हुए हैं यहाँ पे। तो 6000 मुर्गियाँ हैं इसमें, यानी के कोई मेल नहीं है, ये सारे फीमेल हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और आज हम ये नई लोकेशन पे आए हुए हैं, ये है साले मोहम्मद गोट में। तो आप लोगों को कितना अरसा हो गया आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हो? मुझे तो बहुत अरसा हुआ, फिर भी यहाँ पे जी यहाँ पे साल हो गया। एक साल हो गया। तो इससे पहले भी कहीं काम किया हुआ है? जी हाँ, सेठ मैंने तो सेठ साले मोहम्मद के पास किया है। अच्छा, आज ही साले मोहम्मद के पास? साले मोहम्मद के पास, जामकंडा पोल्ट्री फार्म। अच्छा, जामकंडा में भी काम किया, यानी कि आपका माशाल्लाह बहुत तजुर्बा है इस काम में। और ये भाई का कितना तजुर्बा है? मेरा तकरीबन 20 साल हो गया। 20 साल हो गए माशाल्लाह आप ये काम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ काम किया है आपने? मोहसन के पास। मोहसन को जानता है? मोहसन के पास, मोहसन बलोच के पास। तो ये जो अभी ये जो मुर्गियाँ हैं, ये माशाल्लाह एक जाल के अंदर 4-4 मुर्गियाँ हैं। तो ये चूजे होते हैं, तो इनको आप लोग कहाँ रखते हो? इसको ब्रूड रिंग बना के उसमें रखते हैं, छोटी जगह बना के रखते हैं, सही है। फिर उसको जो है ना, हम दाना पानी अच्छे तरीके से करते हैं। तो उस टाइम पे भी इनका, यानी कि अगर एक दिन में अगर बीमारी नहीं आए या बीमारी हुए, तो इनमें अक्सर ही आता रहता है? जी हाँ हाँ। लेकिन जब चूजे आते हैं तब जो हैं तकरीबन 8-10 दाने मरते हैं डेली के, उसके तकरीबन 4-5 हफ्ते के बाद फिर रुक जाते हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कितना ही तनख्वाह दे रहे हैं? ये यहाँ हमको 25,000 दे रहे हैं। यानी कि 25,000 रुपये आपकी तनख्वाह है? जी है। और ये जो भाई है, आपको क्या सैलरी दे रहे हैं? 25। तो इतनी महंगाई में आपका ये गुजारा हो रहा है? बस हो रहा है, क्या करें। यानी कि आप वक्त को धक्का दे रहे हो? जी हाँ। तो एक अंडे की कीमत क्या है? एक अंडे की जी 20 रुपया है अभी इस टाइम, यानी कि एक अंडे का 20 रुपया। एक करेट में कितने अंडे आते हैं? 360। 360। तो एक करेट कितने का होता है? एक करेट तकरीबन 700 का चल रहा है। ये जो छोटे वाले जो प्लास्टिक के जो करेट होते हैं, वो डिस्पोजेबल? हाँ हाँ। अच्छा, और वो जो बड़ा जो करेट होता है उसमें कितने दाने आते हैं? कौन से, ये बड़े पेटी? जी हाँ, 360 आते हैं, 12 करेट। अच्छा, 12 करेट आते हैं उसमें। तो नाजरीन, आप थोड़ा हमारी जो है ना नाजरीन को ये फार्म का विज़िट करा सकते हैं? हाँ, कराओ कराओ। तो माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी जगह है यार। हाँ, अगर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें हमारी नाजरीन को। आपके पास मोबाइल फ़ोन है वगैरह? नहीं, अली असगर के पास है। अली असगर का आपको नंबर पता है? हाँ नहीं, उसका पता है, मुझे खुद का नंबर पता नहीं। आपके पास मोबाइल? नहीं नहीं।
भाई आप अपना नंबर बता सकते हैं? नंबर, फोन नंबर? हाँ आप बता सकते हैं? बता दें। 0 0 3 1 1 1 5 5 2 2 3 चक्कर 5 3 चक्कर 5 और 9 9 नौ के बाद 0 0 8। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं साकरो का रहने वाला। आप साकरो के? अच्छा, तो साकरो के रहने वाले हैं? साकरो के रहने। और ये जो भाई है आपके साथ, ये आपका अपना रिश्तेदार है? नहीं, ये दूसरा कौम का, मैं दूसरे कौम का। अच्छा, आपका कौम अलग है, वो भाई का कौम दूसरा है। तो माशाल्लाह, यहाँ आप अभी कहाँ आपकी रिहाइश है? यहाँ इधर फार्म पर। ये फार्म पे ही आप रह रहे हैं? तो माशाल्लाह, यानी कि इतनी दूर है, आपके बच्चे भी उधर ही हैं, आपके गांव में ही है? गांव में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। कितने बच्चे? 2 2। माशाल्लाह, आपके 2 बच्चे हैं। और आपने अपना क्या नाम बताया था? अली असगर। अली असगर। तो भाई ये अली असगर साहब हैं जो यहाँ पे ये नौकरी करते हैं माशाल्लाह, ये साकरो के रहने वाले हैं। तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये फार्म है और यहाँ से पूरी कराची, यानी कि जहाँ जहाँ तक इनके पास आर्डर आते हैं माशाल्लाह, ये वहाँ अंडे पहुँचा देते हैं। आप लोग खुद अंडे पहुँचा देते हैं या कोई आपके पास कोई गाड़ी वगैरह आ जाता है? नहीं, गाड़ी आता है। अच्छा, जिनके आर्डर होते हैं वो खुद ही गाड़ी भेज देते हैं? हाँ, खुद भेज देते हैं। और माशाल्लाह, आप तो यहीं के रहने वाले? जी जी, हाँ, गरीबाबाद। अच्छा, माशाल्लाह, आप गरीबाबाद के रहने वाले? जी जी। तो नाजरीन, ये जो भाई है, और ये आप देख सकते हैं, ये पोल्ट्री फार्म है और बहुत मुनाफा बख्श ये कारोबार है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये अपने नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये देखो, ये माशाल्लाह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ये अंडों को उठा के ये क्रेट में रख रहे हैं। और भाईजान, ये अभी आप लोगों के पास ये कितने अंडों का आर्डर आया हुआ है? 25 पेटी। 25 पेटी का यानी के आर्डर आया हुआ है माशाल्लाह। तो ये 25 पेटी पूरा होगा आज के दिन में? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ किसी जाल के अंदर 2 मुर्गियाँ हैं, किसी में 1 मुर्गी है, किसी में 4 हैं। ये 2 दिन का अंडा पड़ा है ना? अच्छा, ये 2 दिन का अंडा है। आप लोग रोज़ नहीं उठाते हो यहाँ से अंडे? क्रेट नहीं था ना। अच्छा, क्रेट नहीं थे आप लोगों के पास। तो नाजरीन, ये देखें माशाल्लाह। और ये फीड है, यही फीड है, ये देखो माशाल्लाह, ये मुर्गियों को खिलाते हैं और इसमें कोई मेल नहीं है, ये सारे फीमेल हैं और ये अंडा देने वाले हैं, इनमें कोई भी नर नहीं है, देख सकते हैं नाजरीन आप। और ये बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, अगर कोई करना चाहे वो ये कर सकता है, लेकिन इसमें टाइम आपने देना है, जो मेहनत करेगा उसको अल्लाह उसका फल भी देगा। ये आप लोग देख सकते हैं नाजरीन, देखें। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये भी देखें, ये देखें, यही डिस्पोजेबल क्रेट है और इसी में ये अंडे रख के आगे मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, तो भाईजान, सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ पे? ये सुबह की 6 से लेकर 6 बजे तक। यानी कि माशाल्लाह 12 घंटे आप लोग यहाँ ड्यूटी करते हो? जी। तो खाना पीना आप लोगों का अपना है या सेठ की तरफ से? नहीं, वो सेठ की तरफ से। अच्छा, खाना पीना सेठ की तरफ से, माशाल्लाह।
यानी कि यहाँ लोग, यहाँ जो ये बराबर में जो गोट है, यहाँ यहाँ के गोट वाले भी आके अंडे लेते हैं? जी जी हाँ। या सिर्फ आप लोग बाहर देते हैं? नहीं नहीं, गोट वाले भी आते हैं। अच्छा, यहाँ के दुकानदार जो भी आए, आप लोग कोई मना नहीं है? नहीं। ठीक है नाज़रीन, आपने देख लिया माशाल्लाह ये पोल्ट्री फार्म में, और ये जो भाई है इसने बताया था अली असगर ने कि ये 2 दिन के अंडे हैं, यानी कि ये रोज़ नहीं उठाते हैं, एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन यहाँ से ये अंडे उठा के क्रेटों में डाल के फिर ये मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है। और भाईजान, हमने आपको ये पूरा ये जो शेड है, ये पोल्ट्री फार्म है, इसका हमने आपको विज़िट कराया है, और इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। और आपने अपना ख्याल रखना है, और हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।